सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर के बारे में। सो गाइस, लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट इज मिक्सचर। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सेपरेट हाउ टू सेपरेट मिक्सचर। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन को। अगर हम मिक्सचर को सेपरेट करेंगे तो फिजिकल प्रोसेस ये तीन यूज होंगे। पहला फिल्ट्रेशन, सेकंड इवेपोरेशन, एंड थर्ड डिस्टिलेशन। ये तीन प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे, ये तीनों होते क्या हैं। सो गाइस, जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। नंबर वन, फिल्ट्रेशन की हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं आसानी से। फिल्ट्रेशन, इसकी हम आसानी से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक स्पेस इसके ले लेते हैं, इसके अंदर अभी हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो ये समझ लीजिए एक बीकर है और ये मिक्सचर है मड का, मडी मिक्सचर। ये मिक्सचर अभी हम लोगों ने, सो गाइस ये है अभी, सो गाइस ये है अभी फिल्टर फनल। हम लोग क्या है तो यहाँ फिल्टर फनल रख सकते हैं या फिर कॉर्न फ्लैक्स भी रख सकते हैं। ये हम लोगों ने रखा यहाँ, अभी इसके अंदर ये मिक्सचर प्योर हो गया और ये रहा हम लोगों ने यहाँ रखा एक फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर का सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम होता है। ये अभी वाटर मड, मतलब कि जो मड होगी वो यहाँ रेजिड्यू बन के रह जाएगी और यहाँ नीचे वाटर यहाँ हो जाएगी और ये जो वाटर होगी वो होगी फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब होता है जो चीज़ फिल्टर हो चुकी है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। और ये मिक्सचर से सीधा फिल्टर होके ये वाटर, और ये मडी वाटर मिक्सचर का है मडी वाटर, और मड यहाँ एज रेजिड्यू बन जाएगी। और फिर ये फिल्टर फनल की मदद से वाटर इसके अंदर से पास थ्रू कर जाएगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स वाटर के स्मॉल होते हैं बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से वो हर एक मॉलिक्यूल्स हर एक होस के अंदर से पास थ्रू आसानी से कर सकता है, और उसकी वजह से मड नहीं कर सकती क्योंकि वो लार्ज होती है। सो ये था फिल्ट्रेशन। अभी हम आते हैं इवेपोरेशन की तरफ। इवेपोरेशन, अभी मान लीजिए कि हमारे पास एक मिक्सचर सॉल्यूशन है, यह मिक्सचर ही है एक वाटर का। अभी वाटर के अंदर हम लोगों ने सॉल्ट डाल दिया, अभी सॉल्ट और मिक्सचर दोनों इतने इनफ हैं कि वो पास थ्रू कर जाएंगे वाटर फिल्टर फनल के अंदर से, फिल्टर पेपर के अंदर से। और अभी अगर हम फिर हम इसको सेपरेट आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से हम इजी वे ये इवेपोरेटिंग डिश है। इवेपोरेटिंग
इस इवेपोरेटिंग डिश की मदद से हम इसके अंदर पहले सॉल्यूशन डालेंगे अपना मिक्सचर। मिक्सचर डालने के बाद यहाँ एक ब्लेज रोड, इसके ऊपर ये एक ट्राइपॉड स्टैंड अगर हम रख लें यहाँ, और ये रहा एक ट्राइपॉड। और अभी यहाँ डायरेक्ट बंसल बर्नर होता है जो इसको जाके डायरेक्ट हीट करता है और वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो सकती है, बट सॉल्ट जो एक रेजिड्यू है वो रेजिड्यू बन के रह जाता है। सो ये है इवेपोरेशन। इसके अंदर सॉल्ट एज रेजिड्यू रह गया, इवेपोरेट हो गई वो भी वाटर, और ये बंसन बर्नर इसने इवेपोरेट करने में हेल्प की हमारी। अभी डिस्टिलेशन पे आ जाते हैं। डिस्टिलेशन अभी ये सेम इवेपोरेशन के प्रोसेस की तरह होता है, बस इसके अंदर अभी मैं आपको बताता हूँ। ये एक हमने फ्लास्क ले लिया, इसके अंदर वाटर है सॉल्यूशन सॉल्ट का, नीचे से ये इवेपोरेट हो रही है बर्नर बर्नर सेम यही प्रोसेस, यहाँ ये हीट हो रहा है। अभी ये यहाँ पे इन्होंने थर्मामीटर हम लोगों ने लगा दिया है, थर्मामीटर जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर पता रहेगा और यहाँ से स्टीम बाहर नहीं जा सकती। अभी यहाँ पे एक जो है ऐसे कंडेंस होता है, इसका नाम होता है कंडेंस, और ये कूल होने के लिए होती है स्टीम को। और अभी यहाँ एक और फ्लास्क होता है या फिर हम किस कुछ भी कह सकते हैं इसको, अभी ये इसके साथ कनेक्ट होता है, और ये वहाँ वाटर, ये हो गई वाटर, ये सॉल्यूशन। सो गाइस अभी सिंपल सी बात है, थर्मामीटर ये थर्मामीटर है। अभी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, यहाँ से स्टीम जाएगी जो बॉयल हो जाती है वो एक गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जिसका नाम होता है स्ट्रीम। स्ट्रीम अभी यहाँ जाएगी क्योंकि यहाँ से हर चीज़ ब्लॉक है, यहाँ तो जा नहीं सकती, जहाँ से ओपन फील्ड होगी वो वहीं से जाएगी, यहाँ ओपन है यहाँ से आगे पास थ्रू करेगी, यहाँ जाके एग्जैक्ट इस जगह पर जाके वो कूल डाउन हो जाएगी क्योंकि वो हीट के इनफ दूर आ जाएगी, और एक तो कूल डाउन हो जाएगी, इसकी वजह से कूल डाउन होने की वजह से वो वाटर बन जाएगी। अभी वो वाटर जाए डायरेक्ट यहाँ जाएगी और ये वाटर की जगह आ जाएगी, और जो सॉल्यूशन होगा वो भी यहाँ रहेगा सॉल्ट, और हमें अपनी वाटर भी वापस उसके ज़रिए मिल गई है। इसकी वजह से जो यूएसए के अंदर मतलब के आउटर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा बेस्ट होता है कि वो डिस्टिलेशन प्योर वाटर यूज़ करते हैं क्योंकि वो वाटर एकदम प्योर होती है। अभी सी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल सी हम ले लेते हैं तो उसका वाटर जो है वो एक जो है ना पैन में डाल देते हैं, मतलब कि बहुत बड़ा होल होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता, डीप नहीं होता, कम डीप होता है, और अभी उसको हम सन के नीचे रख देते हैं और वो इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट नहीं उसको कह सकते हम, मतलब कि जैसे ये प्रोसेस है वैसे ही वो प्रोसेस है, उसको हीट दिया जा सकता है और उसके लिए गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी वजह से वो डायरेक्ट वाटर यहाँ जाएगा और जो सैंड हो जो सॉल्ट होगा या फिर जो भी वो डायरेक्ट साइड पे उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, और फिर सॉल्ट वो सेल कर सकते हैं और वाटर भी वो सेल कर सकते हैं। सो ये था गाइस 3 प्रोसेस हाउ टू सेपरेट। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये था आज का हमारा टॉपिक। सो गाइस अल्लाह हाफिज़।